आज हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस को फाइंड आउट करेंगे और उसका क्या क्या यूज है उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे, जानेंगे। पिछले क्लास में हमने फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस को फाइंड आउट करने का तरीका सीखा था। तो सबसे पहले हमें मालूम है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है और उसका डायमेंशंस अगर फाइंड आउट करना है तो हमें उसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, फॉर्मूला सूत्र मालूम होना चाहिए। जैसे मान लिया कि हमें काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशंस फाइंड आउट करना है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें मालूम है, हाफ एम वी स्क्वायर। एम यहाँ पर मास को रिप्रेजेंट करता है, तो मास वी वेलोसिटी का होल स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी को ई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमें मालूम है कि हमारे पास तीन ऑप्शन था, मास, लेंथ, टाइम, है ना, मैकेनिक्स में। तो मास को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी टाइप का लेंथ रहे, किसी भी टाइप का डिस्टेंस रहे तो उसे हम लेंथ से एल से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर दिख रहा है 1/2, जो कि एक नंबर है, और नंबर है तो यह तो कोई फिजिकल क्वांटिटी है नहीं, और यह जब फिजिकल क्वांटिटी नहीं है तो इसका कोई डायमेंशंस नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं, सिंस 1/2 इज ए नंबर, इट इज क्या, डायमेंशन लेस। तो यह डायमेंशन लेस है, तो इसे हम लिखते हैं E=2। हाफ को हटा दिया गया, मास को किससे प्रिंट करेंगे, एम से। वेलोसिटी, पिछले लेक्चर में हमने वेलोसिटी का डायमेंशंस फाइंड आउट किया था, क्या मिला था, LT inverse 1 और होल स्क्वायर लगा दिया गया। एम स्क्वायर है, किस पर है, इस पर, तो ये पूरा दोनों का स्क्वायर होगा, एल का भी और टी का भी। तो एल का अगर स्क्वायर होगा तो एल स्क्वायर, और यहाँ माइनस वन के साथ स्क्वायर है, मतलब ये इसके साथ प्रोडक्ट होता है, गुना होता है, तो -1 × 2 T^-2। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब इसका power 1। तो एनर्जी का डायमेंशंस याद रखना है, यह होगा काइनेटिक एनर्जी का। इसके बाद हमें और एक टाइप का एनर्जी मालूम है, जिसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, MgH, जहां M क्या है, मास, G क्या है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और H क्या है, हाइट। तो M मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब गुरुत्व त्वरण, और H हाइट। तो मास को किससे प्रिंट करेंगे, M से। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, किसी भी टाइप के एक्सेलरेशन रहे वो एक्सेलरेशन का डायमेंशंस को ही लेगा, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशंस हमें मालूम है। चलिए यूनिट से भी हम डायमेंशंस का अंदाजा लगा लेते हैं, कैसे, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशंस, सॉरी, यूनिट क्या होता था, m/s² होता था कि नहीं, यही होता था, m/s². मीटर क्या चीज को प्रिंट कर रहे, लेंथ को, और सेकंड टाइम को, टी, और -2 है -2। तो यही डायमेंशंस है एक्सेलरेशन का। इसी तरह वेलोसिटी का यूनिट क्या होता था, m/s। तो यहाँ से हमें वेलोसिटी का डायमेंशंस को भी देख सकते हैं, कैसे, मीटर लेंथ को बता रहा है और सेकंड टाइम को, तो टी -1 है -1। तो इसे ही लिख सकते हैं LT inverse 1, किसका, वेलोसिटी का डायमेंशंस रखा था हमने। चलिए, तो एक्सेलरेशन का क्या, LT inverse 2 और हाइट मतलब लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, एनी सॉर्ट ऑफ डिस्टेंस एल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो m^1 L×L L²T^-2। तो हमने पाया ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी को यू से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशंस ये मिला, 1 in mass, 2 in length, -2 in time। डायमेंशंस क्या है, तो पावर है, मास, लेंथ और टाइम का। अगर हम यहाँ से मैच करें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का डायमेंशन सेम मिल रहा है, 1, 2, -2, 1, 2, -2। और पिछले क्लास में जो हमने वर्क का डायमेंशंस फाइंड आउट किया था, वर्क का डायमेंशंस क्या था, एक बार लिख लेते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशंस
आपको याद रखना है, जितना ज़्यादा डायमेंशंस को आप याद रखिएगा आपको बार बार डिराइव करने की जरूरत नहीं होगा। चलिए तो फोर्स का डायमेंशंस हमने फाइंड आउट किया था, M1, L1, T-1, क्या था, और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, लेंथ, ब्रेड, हाइट, लेंथ से। तो इसका डायमेंशंस अगर देखा जाए तो M1, L और L, L2, T-2, है ना। तो ये किसका डायमेंशंस मिला, वर्क का। तो वर्क का भी डायमेंशंस अगर देखा जाए 1, 2, -2, पोटेंशियल एनर्जी का भी वही, काइनेटिक एनर्जी का भी वही। तो हमें मालूम है वर्क ही एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होता है। हम अगर वर्क करेंगे तो वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए और वर्क के कारण ही एनर्जी स्टोर्ड होता है। जैसे ये बॉडी है, बॉडी को हम हाइट पर ले जा रहे हैं तो वर्क करना पड़ेगा, और जितना अधिक ज़्यादा वर्क करेंगे, जितना ज़्यादा हाइट पर ले जाएंगे, उतना ज़्यादा इस पर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। तो यहाँ से हमें याद रखना है कि वर्क का डायमेंशंस और एनी सॉर्ट ऑफ एनर्जी, किसी भी टाइप की एनर्जी रहे, सबका डायमेंशंस इक्वल होता है। तो सबके लिए याद रखने की जरूरत नहीं है, काइनेटिक एनर्जी का भी डायमेंशंस, पोटेंशियल एनर्जी का भी डायमेंशंस, वर्क का भी डायमेंशंस, सब आपस में इक्वल होता है। चलिए अभी हम कुछ फिजिकल कॉन्स्टेंट्स का डायमेंशंस को फाइंड आउट करते हैं। ये फिजिकल कॉन्स्टेंट्स है, मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट्स नहीं है। जैसे चलिए समझते हैं, हमें न्यूटन्स का लॉ मालूम है, न्यूटन का लॉ ग्रेविटेशन में, जो कि 9th क्लास में हमने पढ़ा था। जैसे दो मास बॉडी है M1 और M2, और दोनों सेपरेटेड हैं बाय स्मॉल डिस्टेंस, या तो कोई डिस्टेंस r से, स्मॉल r से। तो इन दोनों मास बॉडीज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम ग्रेविटेशन कहते हैं। तो इस यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडी है तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसे हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। अब यहाँ जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसका नेचर हमेशा अट्रैक्टिव होता है। हमें मालूम है ये इस यूनिवर्स का सबसे वीकेस्ट फोर्स है, सबसे कमज़ोर फोर्स है, इसलिए हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। जैसे ये दोनों बॉडी भी है, ये दोनों तो अट्रैक्ट नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि इनका मास बहुत कम है। लेकिन जब हम अर्थ को देखते हैं तो अर्थ का मास इतना अधिक है कि हम उसके ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। तो न्यूटन ने यहाँ फोर्स ऑफ ग्रेविटी का एक फॉर्मूला दिया था, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का जो फॉर्मूला है, ग्रेविटेशन का, है ना, तो वो था, उनका कहना यह था कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है दो मास बॉडीज के बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए, कंबाइनिंग बोथ फैक्टर्स, तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा M1 M2 प्रोडक्ट ऑफ मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब हमें मालूम है जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है, और वो जो कांस्टेंट आता है उसे ही हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, कैपिटल जी, M1 M2 बाई आर स्क्वायर। तो यही था फॉर्मूला, हम सबको मालूम है। यहाँ जो जी है इसे कहा जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन्स इसका वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहता है, वेरी नहीं करेगा, चेंज नहीं करेगा। अभी इसका डायमेंशंस फाइंड आउट करना है, जी का, कैपिटल जी का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सार के एग्जाम में आया हुआ भी क्वेश्चन है, कैपिटल जी का डायमेंशंस फाइंड आउट कीजिए। चलिए देखते हैं, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो जी कॉस्ट क्या होगा, तो आर स्क्वायर, तो एफ से प्रोडक्ट, देन एफ आर स्क्वायर बाई, बाई में क्या आएगा, M1 M2, तो लिख सकते हैं M1 M2। यहाँ पर F क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स, R क्या है डिस्टेंस, M1 M2 क्या है मासेज है। तो डायमेंशंस के फॉर्म में लिख देना है बस। तो फोर्स के डायमेंशंस हमें मालूम है M1 L1 T-2, R क्या है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का डायमेंशंस L, L से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया बाई मास M1, ये भी मास और ये भी मास, M और एक M कैंसिल। देन जी का डायमेंशंस क्या है, एम तो ये ऊपर जाएगा, तो एम इनवर्स,
एल स्क्वायर और एल एल क्यूब और टी इनवर्स टू। तो ये डायमेंशंस है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी का। तो ये कांस्टेंट है लेकिन इसका डायमेंशंस है, इसलिए है क्योंकि ये कैसे कांस्टेंट्स है, ये सब फिजिकल कांस्टेंट्स है। अगर ये सब मैथमेटिकल कांस्टेंट्स होते हैं, मैथमेटिकल कांस्टेंट्स कहने के मतलब जैसे कोई नंबर है 1, 2, 3, 4, ठीक है, जैसे पाई है मैथमेटिकल कांस्टेंट, तो इनका कोई डायमेंशंस नहीं मिलेगा क्योंकि ये मैथमेटिकल कांस्टेंट है। जी कैपिटल जी ये भी कांस्टेंट है लेकिन ये फिजिकल कांस्टेंट है, इसलिए इनका डायमेंशंस होता है। एक और कांस्टेंट है जिसका डायमेंशंस हमें अभी फाइंड आउट कर लेते हैं, चलिए वो कांस्टेंट है प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट? ये भी फिजिकल कांस्टेंट है जिसे हम स्मॉल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। फिजिक्स में आगे आप आगे बढ़ते जाइएगा तो प्लैंक्स कांस्टेंट के बारे में जानिएगा, केमिस्ट्री में भी इसका यूज होता है स्मॉल एच का। तो प्लैंक का एक क्वांटम थ्योरी था, तो ये सब पढ़िएगा जब 11th क्लास 12th क्लास, अभी तो बहुत सारा चीज़ पढ़ना है, अभी तो जस्ट स्टार्ट है। तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, देन अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हमें मालूम होना चाहिए E इक्वल्स टू होता है एच न्यू, जहाँ E इनर्जी है, H क्या है, देन प्लैंक्स कांस्टेंट, और न्यू न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, न्यू फ्रीक्वेंसी को हम स्मॉल एफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं कभी कभी, या तो न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी हमें एच का डायमेंशंस चाहिए, तो एच को अलग करना होगा, तो एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई बाई न्यू। हमने अभी पाया है कि किसी भी टाइप की एनर्जी रहे तो एनर्जी के डायमेंशंस मालूम किया हुआ है एम का पावर 1 एल स्क्वायर टी इनवर्स 2। ठीक है, तो अभी हमें न्यू फ्रीक्वेंसी का डायमेंशंस क्या होगा तो उसको पहले देख लेते हैं। तो याद रखिए एक रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू होता है 1 बाई टाइम पीरियड, एकदम रटा हुआ याद रखना, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 बाई टाइम पीरियड, एंड एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल्स टू 1 बाई टी टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड को तो टी से ही रिप्रेजेंट करेंगे टाइम पीरियड, देन न्यू इक्वल्स टू टी को अगर ऊपर ले जाया जाए तो टी इनवर्स है ना, तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशंस मिल गया। एनर्जी का डायमेंशंस हमें मालूम है एम वन एल स्क्वायर टी इनवर्स टू, और न्यू का डायमेंशंस टी इनवर्स। अब इसे सॉल्व कर देते हैं, एम वन एल स्क्वायर ये ऊपर जाएगा प्लस होगा तो टी के पावर माइनस 1, तो ये डायमेंशंस होगा प्लैंक्स कांस्टेंट का। कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनका भी डायमेंशंस हम देख लेते हैं। जैसे कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज में हैं एंगल, तो एंगल का फॉर्मूला हमें मालूम है एंगल इक्वल्स टू आर्क बाई रेडियस, ये हो गया आर्क जिसे चाप भी कहते हैं, ये हो गया रेडियस और ये है एंगल थीटा। तो रेडियस को हम किस में मेजर करते हैं, लेंथ में 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, और आर्क ये आर्क कितना का है ये भी तो सेंटीमीटर में मीटर में, यानी कि लेंथ ही है, आर्क भी लेंथ है और रेडियस भी लेंथ है। तो इसको डायमेंशंस के फॉर्म में अगर लिखा जाए तो आर्क आर्क का डायमेंशंस एल और रेडियस का डायमेंशंस ये भी एल, तो एल एल विल कैंसिल आउट, तो कितना मिला 1, तो 1 तो नंबर आ गया। तो इससे ये पता चला एंगल जो है वह ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका कोई डायमेंशंस नहीं है, ना तो ये मास पर डिपेंड कर रहा है, ना ही ये लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, और ना ही टाइम पर डिपेंड कर रहा है। तो मास का भी डायमेंशंस, मास पर भी इसका डायमेंशंस, यानी कि पावर 0, लेंथ में भी पावर 0 और टाइम पर भी पावर 0, किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है।
तो इसलिए याद रखना इट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो याद रखना है एंगल क्या है, डायमेंशनलेस है, मतलब इसका कोई डायमेंशंस नहीं है लेकिन ये फिजिकल क्वांटिटी है। इसी तरह एक और क्वांटिटी होता है जिसे हम कहते हैं स्ट्रेन। तो स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन कॉन्फिगरेशन बाय ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन, चेंज इन कॉन्फिगरेशन बाय ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन। ये स्ट्रेन के बारे में हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे जब हम चैप्टर इलास्टिसिटी में जाएंगे। इलास्टिसिटी क्लास 11th में एक चैप्टर है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो चेंज इन कॉन्फिगरेशन क्या है, जैसे समझिए इलास्टिक में जब पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी एक चैप्टर है उसमें, तो कोई एक रड है, मान लीजिए कोई रड है, ध्यान से समझिएगा, इसका ओरिजिनल लेंथ है मान लिया 5 सेंटीमीटर, क्लियर। अब इस पर फोर्स लगाया जाता है, फोर्स लगाया और इसे खींच दिया गया, तो लेंथ क्या होगा इसका, अगर इलास्टिक है रबड़ है तो वो खींच जाएगा, है ना। तो इसका जो लेंथ है उसमें इंक्रीज हुआ मान लिया 1 सेंटीमीटर, कितना का 1 सेंटीमीटर। तो ओरिजिनल जो लेंथ था वो क्या था, एल, और बाद में जो लेंथ में इंक्रीज हुआ, जो चेंज आया, वो कितना का हो गया, डेल्टा एल, क्लियर। तो अब इसका स्ट्रेन कितना का है, स्ट्रेन, तो स्ट्रेन को हम डिफाइन करते हैं, इट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्फिगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन। तो चेंज इन कॉन्फिगरेशन कितना का है, डेल्टा एल, इतना का, और ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन कितना का था, तो एल ओरिजिनल लेंथ कितना था 5 सेंटीमीटर, और इंक्रीज कितना का हुआ, चेंज कितना का हुआ 1 सेंटीमीटर, तो डेल्टा एल बाई एल। अब इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो चाहे कैसा भी लेंथ हो, लेंथ लेंथ है, तो इसका डायमेंशन एल और इसके लिए भी एल, कैंसिल। तो स्ट्रिंग क्या ये मास पर डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है, लेंथ पर नहीं कर रहा है, टाइम पर नहीं कर रहा है, तो एम जीरो एल जीरो टी जीरो। तो ये स्ट्रेन भी क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, क्लियर। तो यहाँ पर डायमेंशन लेस में हमने दो चीज़ को डिस्कस किया है, एक स्ट्रेन, दूसरा एंगल। फिजिक्स में ऐसा बहुत सारा क्वांटिटीज है जिसके बारे में जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे हम उन फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में भी जानेंगे और उनका भी डायमेंशंस फाइंड आउट करेंगे, तो वो मिलते जाएगा हमें फिजिकल क्वांटिटीज और हम उसका डायमेंशंस देखते जाएंगे, मालूम करते जाएंगे। चलिए डायमेंशंस के आधार पर फिजिकल क्वांटिटीज को 4 भाग में बांटा जाता है, तो 4 टाइप ऑफ क्वांटिटीज होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज क्या क्या है उन्हें समझते हैं। So there are 4 types of quantities. सबसे पहला टाइप अगर लिया जाए तो मान लिया डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स, है ना, क्या है डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स, नाम से ही पता चल रहा है। वैसे फिजिकल क्वांटिटीज जो क्या होंगे, कॉन्स्टेंट्स होंगे, क्या होंगे, कॉन्स्टेंट्स होंगे, और उनका डायमेंशंस होगा, मतलब वो डायमेंशंस को पोजेस करेंगे, तो वैसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम कहेंगे डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स। और इसका एग्जांपल हम अभी हमें मालूम है क्योंकि हमने आज के लेक्चर में फाइंड आउट किया है, जैसे कॉन्स्टेंट में क्या क्या थे फिजिकल कॉन्स्टेंट्स, तो वो थे कैपिटल जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, जो कांस्टेंट है लेकिन इनका डायमेंशंस है। दूसरा हमने मालूम किया प्लैंक्स कांस्टेंट, स्मॉल एच, तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और प्लैंक्स कांस्टेंट वैसे फिजिकल क्वांटिटीज है जो कांस्टेंट्स हैं
लेकिन इनका डायमेंशंस होता है, ये डायमेंशंस को पोजेस करते हैं। दूसरा, डायमेंशनल वेरिएबल्स। तो दूसरा क्या है? डायमेंशनल वेरिएबल्स, ये भी नाम से ही पूरा चीज क्लियर है। तो वैसे फिजिकल क्वांटिटीज जो कॉन्स्टेंट्स नहीं है बल्कि वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स मतलब जिनका वैल्यू चेंज करेगा, वेरी करेगा, और वो डायमेंशंस को पोजेस करेंगे। तो वैसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम डायमेंशनल वेरिएबल्स कहते हैं। इनका एग्जांपल में क्या क्या है? बहुत सारा है, ढेर सारा है। एरिया फिजिकल क्वांटिटी है, वेरिएबल भी है। वेरिएबल कैसे? क्योंकि एरिया का वैल्यू क्या फिक्स होता है, कॉन्स्टेंट होता है? नहीं होता है। 15 सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है। तो ये फिजिकल क्वांटिटी एरिया वेरी भी करता है और इसका डायमेंशंस भी होता है। तो यह डायमेंशनल वेरिएबल्स। और बहुत सारे एग्जांपल है, फोर्स, एक्सेलरेशन, वर्क, एनर्जी, वेलोसिटी, ऐसा बहुत सारा। थर्ड, डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट्स। क्या चीज? डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट्स, नाम से पता चल रहा है। वैसे क्वांटिटीज जो कॉन्स्टेंट्स होंगे, वैसे क्वांटिटीज जो कॉन्स्टेंट्स होंगे और ये डायमेंशन लेस हैं, यानी कि इनका डायमेंशंस नहीं होगा, तो ऐसे क्वांटिटीज को हम कहेंगे डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट्स। जैसे इनका एग्जांपल में आता है, जितना भी मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट्स या तो मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट्स, जैसे आता है पाई, तो पाई क्या है? कॉन्स्टेंट है और इसका कोई डायमेंशंस नहीं होगा, क्योंकि ये तो नंबर है। 22/7 ऐसा लेते हैं हम लोग, 3.14 ऐसा लेते हैं, जितना भी नंबर्स है 1, 2, 3, 4, ये सब क्या है? कॉन्स्टेंट्स है और इनका कोई डायमेंशंस नहीं होता है, तो इसलिए इन्हें कहा जाता है डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट्स। और फोर्थ, डायमेंशन लेस क्या? वेरिएबल्स, डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। तो वैसे फिजिकल क्वांटिटीज, नाम से पता चल रहा है, जो वेरिएबल्स होंगे जिनका वैल्यू फिक्स्ड नहीं होगा, चेंज करेगा, लेकिन इनका कोई डायमेंशंस नहीं होगा। इस एग्जांपल में क्या क्या हो सकता है? तो हमें मालूम है, हमने अभी फाइंड आउट किया, क्या एंगल, क्या एंगल कॉन्स्टेंट होता है? नहीं, वेरी करता है, चेंज करता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो ये वेरिएबल है, क्या है? वेरिएबल, चेंज कर रहा है और ये डायमेंशंस लेस है, क्योंकि एंगल का कोई डायमेंशंस नहीं होता है, हमने फाइंड आउट किया था। दूसरा और क्या पाया था? स्ट्रेन, तो स्ट्रेन भी डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस है और यह वेरिएबल भी होता है। तो यहाँ से हमने यह सीखा कि डायमेंशंस के बेसिस पर, है ना, डायमेंशंस के आधार पर हम क्वांटिटीज को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या? डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स, वैसे कॉन्स्टेंट्स जो डायमेंशंस को पोजेस करेंगे, जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, ऐसा एटसेक्टर। सेकेंड इज द डायमेंशनल वेरिएबल्स, वैसे क्वांटिटीज जो वेरिएबल्स हैं जिनका वैल्यू चेंज करेगा और ये डायमेंशंस को पोजेस करते हैं, इसलिए डायमेंशनल है। थर्ड, डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट्स, ये कॉन्स्टेंट्स है और डायमेंशन लेस है, इनका कोई डायमेंशंस भी नहीं होगा। तो कॉन्स्टेंट्स में क्या क्या? जितना भी मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट्स है, जैसे पाई है, नंबर्स है, और कुछ एक्सपोनेंशियल भी आता है। जब आप मैथमेटिक्स में आगे जाइएगा तो वहाँ पर सीखिएगा भी, एक्सपोनेंशियल कहा जाता है, स्मॉल इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, या हिंदी में इसे चर घातांकी कहा जाता है। तो ये सब मैथमेटिकल जितना भी कॉन्स्टेंट्स है, ये सब डायमेंशन लेस होते हैं, इनका कोई डायमेंशंस नहीं होगा। जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी में एक नंबर को लिया था, आया था क्या? हाफ। तो क्या हाफ को हमने शामिल किया था? नहीं किया था। क्यों? क्योंकि नंबर है, नंबर का कोई डायमेंशंस नहीं होगा। डायमेंशनलेस वेरिएबल्स, वैसे क्वांटिटीज जो वेरिएबल है जिनका वैल्यू चेंज होगा लेकिन डायमेंशन लेस है, कोई डायमेंशंस नहीं होगा। अभी हमें जानना है कि ये जो डायमेंशनल इक्वेशंस का यूज क्या है, हम जो इतना डायमेंशंस के बारे में जानेंगे फिजिकल क्वांटिटीज का, तो इनका यूज क्या है, चलिए देखते हैं।
तो यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस, इनका यूज क्या है? तो सबसे पहला यूज है, सबसे इंपॉर्टेंट यूज, कन्वर्शन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर। कन्वर्सन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर। हमने पढ़ा था कि चार टाइप का सिस्टम था यूनिट का, क्या क्या? एफ पी एस फुट पाउंड सेकंड, सी जी एस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एम के एस मीटर किलोग्राम सेकंड, और एस आई सिस्टम। एस आई सिस्टम जस्ट एम के एस का ही मॉडिफिकेशन है, तो लगभग मिलता जुलता है पूरा। तो यहाँ पर एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो हम डायमेंशंस के हेल्प से, डायमेंशंस के नॉलेज से, डायमेंशनल इक्वेशंस के नॉलेज से हम ऐसा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो हम सी जी एस को एम के एस में कन्वर्ट कर सकते हैं, या एम के एस को सी जी एस में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसके यूज से? तो डायमेंशन एनालिसिस के यूज से, या डायमेंशनल इक्वेशंस के यूज से। सेकंड, चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ वेरियस फॉर्मूले। तो फॉर्मूला का प्लूरल है फॉर्मूले, ठीक है? तो बहुत सारा फॉर्मूला फिजिकल क्वांटिटीज से रिलेटेड है, जितना भी फिजिक्स में जितना भी फॉर्मूला मिलेगा, तो उसका एक्यूरेसी को हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है, कौन सा फॉर्मूला इनकरेक्ट है। तो ऐसा किया जा सकता है। एंड थर्ड इज द डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूले। तो हम डायमेंशनल एनालिसिस या डायमेंशनल इक्वेशंस के यूज से हम फॉर्मूला को डिराइव भी कर सकते हैं, है ना, फॉर्मूला बना सकते हैं। कैसे? ये सब हम आगे के नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे, सीखेंगे।